मई को रिजल्ट आने वाला है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी। अरे उन्होंने काम बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। बनेगा प्रधानमंत्री उसके लिए वो भगवान का अवतार है नरेंद्र मोदी जी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। मोदी के मुकाबले कोई है ही नहीं, उनका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है हमारे पास। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बन पाए सोच भी नहीं सकते। नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के बारे में क्या राय है? वो गंदा है। 23 मई को जो रिजल्ट आने वाला है, हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री है हमारे देश के, वो दोबारा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, क्योंकि इस देश को, इस पूरे देश को वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री की जरूरत है। नरेंद्र मोदी। ममता हट जाएगा। बनेगा कौन? मोदी जी बनेगा। जिनका खुद का विकास नहीं हुआ, जिन्होंने 100 करोड़ रुपए का टैक्स अभी भी नोटिस जारी हुआ है, वो 100 करोड़ का टैक्स नहीं दे पा रहे, वो 72,000 रुपए कहाँ से देंगे, जिन्हें गिनती नहीं आती। बिहार भागलपुर से है हम, फिर मोदी सरकार को चाहते हैं। हमारा टैक्स का पैसा ऐसे नहीं है कि तुम ऐसे लुटा दो। आप लोगों को फ्री में बैठने की आदत डाल रहे हो, आप लोगों को काम करना सिखाओ, आप लोगों को फैसिलिटी दो, इंफ्रास्ट्रक्चर दो, जो कि मोदी जी इस टाइम कर रहे हैं। बाकी जो महागठबंधन है वो राहुल जी है, अली बाबा और 40 चोर। जो सेना को सपोर्ट नहीं करेगा वो जो है कभी जिंदगी में जो है राष्ट्र प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं है। राहुल गांधी क्यों नहीं पसंद? वो कुछ करते ही नहीं है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आप सभी के साथ हूँ तान्या गुप्ता। आज हम आए जनता के समक्ष इंडिया गेट पर और हम जानेंगे जनता की राय कि 23 मई को प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या सोचती है जनता, किसको सपोर्ट करेगी। महिलाओं से पूछते हैं, महिलाएं क्यों किसको सपोर्ट करती 23 मई को? कुश्ती मोदी। आप बताइए, आप मोदी, महिलाएं भी मोदी को, मैंने बहुत सुना है, लोग सुनते हैं, आप मोदी जी को क्यों समर्थन करते हैं? मोदी के मुकाबले कोई है ही नहीं, उनका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है हमारे पास। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बन पाए सोच भी नहीं सकते। वो टैलेंट राहुल में है ही नहीं। जो प्रियंका वाड्रा आई हैं अभी कांग्रेस में, तो क्या कहेंगे, मजबूती आई है क्या कांग्रेस में? मजबूरी में आई है, मजबूरी में, कांग्रेस की मजबूरी थी उनको लाना, उनको देखना पड़ेगा कि क्या करती है। अभी वो आई है, लॉन्च किया है उनको अभी। नया वर्ड निकाला। आप किसकी सरकार चाहते हैं, कौन आए बनेगा 23 मई को प्रधानमंत्री? मोदी जी। मोदी जी क्यों? मोदी जी बस उनमें टैलेंट है और वो लायक है देश की। वो करने क्या क्या किया है आज तक प्रधानमंत्री ने? प्रधानमंत्री सब कुछ किया जो उनको करना चाहिए था, मतलब हम उनसे टोटली खुश हैं। आपका नाम? शुभंकर। कौन 23 मई को प्रधानमंत्री कौन बनेगा? मोदी बनेगा। मैं बंगाल से हूँ। बंगाल में तो ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि वो बन पाएंगे प्रधानमंत्री, उस पर क्या कहेंगे? ममता हट जाएगा। बनेगा कौन? मोदी जी बनेगा। आप मोदी को पसंद क्यों करते हैं? मोदी जी विकास अच्छा करता है। आप बताइए, आप 23 मई को कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मैं एक बात बोलता हूँ, पहले तो मोदी हमारा जो सर है ना मोदी, वही प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि हमारे जो देश था ना वो पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन आज की डेट में कहाँ था वो कहाँ पहुँच गया है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। हाँ, हर चीज की निर्णय लेने की शक्ति है, हर चीज को वो जजमेंट अपने तरीके से हर चीज पे फैसले। महागठबंधन के 22 नेता में से और राहुल गांधी कोई विकल्प नहीं दिखते हैं क्या आपको? कोई विकल्प नहीं है, वो वैसे ही फिजूल की बातें हैं, अपना चोर अपना गठबंधन करके देश के साथ में धोखा करें, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। क्या राहुल गांधी नहीं बन सकते? इम्पॉसिबल। मैं बता दूं ना, मैं बता दूं कोई भी बात होती है वो मोदी के ऊपर रख देते हैं कि ऐसे नहीं, उससे पूछ लेना, वो कुछ बोल नहीं पाते कि मोदी से पूछना, वो बात ये होता है। राहुल गांधी अभी बच्चा है, डिसीजन मेकर जो है वो मोदी जी हैं, हार्ड डिसीजन लेने वाले इंसान जो है इस टाइम इंडिया में वो मोदी जी हैं। राहुल गांधी में इतनी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो। कहाँ से आप? मैं पंजाब अमृतसर से हूँ। पंजाब में तो भी कांग्रेस की सरकार है, उसके बाद भी मोदी जी को समर्थन की सरकार आई जरूर है, लेकिन वहाँ पे बेड़ा गर्क हो गया है कांग्रेस। हाँ, कांग्रेस के राज में। आप कहाँ से? मैं ग्वालियर से, एमपी। यस मैम, अभी वही आई है कांग्रेस की सरकार, उसके बाद भी आप मोदी जी को समर्थन? मैम मोदी आएंगे एमपी में, मैं जानता हूँ कि हमारी जो एमपी है ना उन्होंने दिया है कांग्रेस को, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। राजस्थान से उसके बाद भी आप कांग्रेस की सरकार है और उसके बाद मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों? वो राजस्थान में सरकार इसीलिए आई, लोग वसुंधरा जी का विरोध कर रहे थे, सिर्फ 1.5 लाख वोट के अंतर से ही हार पाई है राजस्थान पूरे ऑल ओवर। तो किसानों का कर्जा माफी लेके मुद्दा क्या था, क्या हुआ, क्या कर्जा माफ? कहीं नहीं हुआ, 1% भी माफ नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ,
कोई भी तरह का, ये सिर्फ लॉलीपॉप की तरह है। और अभी जो 72,000 का जो फेंका है वो भी एक तरह का हवा हवा में है, बाकी किस 72,000 तक जो बोला है वो हवा हवा में है। क्या बोलेंगे जो योजना है 72,000 जो है? हमारा टैक्स का पैसा ऐसे नहीं है कि तुम ऐसे लुटा दो। आप लोगों को फ्री में बैठने की आदत डाल रहे हो, आप लोगों को काम करना सिखाओ, आप लोगों को फैसिलिटी दो, इंफ्रास्ट्रक्चर दो, जो कि मोदी जी इस टाइम कर रहे हैं। बाकी जो महागठबंधन है वो राहुल जी है, अली बाबा और 40 चोर। आप क्या बोलेंगे 23 मई को कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से क्यों नरेंद्र मोदी? इसलिए बनेंगे कि मोदी जो है ना, बहुत दिन के बाद एक अच्छा ऐसा पीएम मिले जो देश को जो है ना अर्थ से फर्श की ओर ऊपर ले गए और पूरा नाम जो है ना विश्व में हम लोग का बढ़ाए देश का बहुत। बेटा आप तो वोट भी नहीं दे सकते हो, आप मोदी जी को क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हो? क्योंकि मोदी जी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। क्या किया मोदी जी ने आपके लिए? उन्होंने कितना कुछ किया, बहुत कुछ किया है। तो राहुल गांधी आपको अच्छे नहीं लगते? नो। मोदी जी को क्यों नहीं पसंद? राहुल गांधी क्यों नहीं पसंद बेटा आपको? वो कुछ करते ही नहीं है। वो कुछ करते ही है। पप्पू है। हाँ। क्या है वो? पप्पू। पप्पू है वो। आगे। आपका नाम? मोहम्मद अरशद। 23 मई को कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। आप राहुल गांधी बोल रहे, राहुल गांधी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? वो हमारा भाई है। भाई है मतलब? भाई के लगने करे देश के लिए विकास कौन करेगा? लिए भी कर पाएंगे वो? 72,000 तक की स्कीम के बोले तो आपको क्या लगता है क्या फायदा हो पाएगा उससे? मिलेंगे और क्या? आप क्या कहेंगे इसमें? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे। नरेंद्र मोदी 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 मोदी। सवाल ये है कि 72,000 तक मोदी राहुल गांधी जो मोदी 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 आप मोदी आप मोदी जी को सपोर्ट क्यों करती हैं? मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री आ ही नहीं सकता, ना होगा ना कभी हो सकता है। मोदी सरकार, इसलिए सिर्फ मोदी सरकार आपकी बार मोदी सरकार। 23 मई को कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी। आप भी मोदी? मोदी जी ने क्या क्या किया, क्या पसंद है? बहुत कुछ किया उन्होंने, एक चीज नहीं बहुत कुछ किया उन्होंने। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन सकते हैं। नहीं। No. कहाँ से हैं आप लोग? दिल्ली जी। हाँ जी बोलिए, आपका नाम? मेरा नाम बलबीर सिंह है जी, मैं नोएडा से हूँ जी। बताइए 23 मई को कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मेरे हिसाब से मोदी बनना चाहिए जी, क्योंकि मोदी मोदी अगले 10 सालों तक मोदी ही रहेगा। मैं तो खुद गुजरात से आया हूँ, जब पेड़ लगाते हैं ना तो उसको भी देर लगता है, तो ऐसे ही विकास होता है कि भाई चलो एक पाँच साल में तो एकदम से विकास नहीं होता है, जो होगा वो फ्रूटफुल होगा। मोदी आएगा 23 साल को, 26 सीटें 26 सीटें गुजरात की पूरे पूरी उनको जाएगी। अब तो हार्दिक पटेल भी नहीं लड़ रहे हैं जो पाटीदार समाज को रिझाने का काम कर रहे थे, क्या बोलेंगे मोदी? हार्दिक पटेल बिल्कुल नहीं आएगा, वो तो सब फेल है, चुनावी नहीं लड़ रहे, वो जामनगर की बात बोल रहे थे लेकिन उसका सपोर्ट भी कोई नहीं कर रहा है। गुजरात में सिर्फ मोदी, इंडिया में मोदी और पूरे वर्ल्ड में भी मोदी आएगा। अगर मोदी आएगा तो देश का विकास ही होगा। राहुल गांधी के बारे में क्या सोच है आपकी? राहुल गांधी बस बोलते हैं, कुछ करने वाले नहीं है, जो करेंगे मोदी करेंगे, पूरे देश का नाम इंडिया में पूरे वर्ल्ड में फेमस करेंगे, अभी जो हो चुका है और आगे भी ले जाएगा, वर्ल्ड का जो फर्स्ट नंबर का देश है वो इंडिया बन जाएगा। अगर राहुल गांधी आ गया तो देश का नाश हो जाएगा, देश महान हो जाएगा अगर मोदी आया तो। नरेंद्र मोदी। आप बेटा नरेंद्र मोदी को की सपोर्ट करते हो, आप तो जानते भी हो। हाँ। राहुल गांधी के बारे में क्या राय है? वो गंदा है। 23 मई को कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्यों? नरेंद्र मोदी वो अगर मोदी है तो देश सुरक्षित है, अगर मोदी नहीं है तो कुछ नहीं है। तो राहुल गांधी के बारे में क्या सोच है? 70 साल पीछे नहीं जाना है हमने। आप क्या बोलेंगे, कहाँ से आप? झारखंड। 23 मई को कौन बनेगा प्रधानमंत्री? एकदम परफेक्ट नरेंद्र मोदी जी। जी नरेंद्र मोदी देश के लिए बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे काम कर। आप वेस्ट बंगाल से, तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नो नो नेवर
ना राहुल गांधी नेवर। ये आपका ये नरेंद्र मोदी छोड़ के कोई बन ही नहीं सकते हैं, और भविष्य में अगर 10 साल और रहे तो देश हमारा सुपर पावर हो जाएगा। डेफिनेटली वेस्ट बंगाल जो होने के बाद भी नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करे, वहां तो ममता बनर्जी उनकी रैली तक नहीं होने देती, क्यों डर है क्या उनको? बिल्कुल उनको वाकई में डर है, हाँ बिल्कुल। अब उनको हर तरह से डर है, इसीलिए सुबह से लेकर रात तक वो सब वेस्ट बंगाल के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ले रही, तो क्या चाहती है वेस्ट बंगाल की जनता? मेरे हिसाब से वेस्ट बंगाल की अधिकतर जनता ने तो कम से कम 40-50% मोदी को चाहती है। कितनी सीटें आएंगी भाजपा के पास? मेरे ख्याल से भाजपा को कम से कम ये 12 से ऊपर सीट आएंगी, 12-20 सीट आनी चाहिए वेस्ट बंगाल में। 12-20% यस। पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में मेरे ख्याल से देखिए 250 से लेकर 300-315 तक आनी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि अगर पूर्व बहुमत से आए तो ये इंडिया को हमारा और मजबूत बनाएगा। अगर राहुल गांधी के हाथ में आएगा तो नेवर हमारा देश। ओके, आपका नाम? कहाँ से आप? हम बिहार से हैं। आप बिहार से हैं? किसकी सरकार बनाओगे? 23 मई को कौन बनेगा प्रधानमंत्री? बिहार भागलपुर से है, हम फिर मोदी सरकार को चाहते हैं जी। महिलाएं भी मोदी जी को चाहती हैं? क्यों? मेरे देश को जिस चीज का जरूरत था उन्होंने हाथ खुल करके दे दिया। क्या, किस चीज की जरूरत थी? सेना को जो जरूरत था सेना को दे दिया उन्होंने। मतलब आप लोग खुद बोलते हैं कि हमसे पहले देश आता है? देश आता है पहले, देश है। तो राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे थे और कांग्रेस सरकार, तो कांग्रेस के बारे में क्या बोलेंगे? क्या कांग्रेस के प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं नहीं बन पाएंगे, वो वंशवादी पार्टी है, वो कभी नहीं बन पाएंगे। अभी जो सेना को सपोर्ट नहीं करेगा वो जो है कभी जिंदगी में जो है राष्ट्र प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि जो सबसे पहले रक्षक है देश के, अगर वो उस जो पार्टी उसको सपोर्ट करेगी जो देश की रक्षा करेंगे तो उसी वही जो है प्रधानमंत्री बना मोदी जी। आप कहाँ से? राजस्थान। राजस्थान, किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? देश मोदी। आप राजस्थान, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, उसके बाद भी वो बन गई, अब नरेंद्र मोदी बनेगा प्रधानमंत्री। क्यों बनेंगे नरेंद्र मोदी? क्योंकि नरेंद्र मोदी इस वक्त दूसरा विकल्प नहीं है इंडिया के पास। आपका नाम? रवि रंजन दुबे, बिहार से हैं। बिहार से हैं। किसकी सरकार बनेगी, कौन बनेगा प्रधानमंत्री 23 मई को? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पूर्ण रूप से बनेगी। क्यों आप मोदी जी को सपोर्ट करें? ऐसे बहुत देश के इस तरह के प्रधानमंत्री देश के लिए अभी बहुत गर्व की बात है कि इस तरह के प्रधानमंत्री आए हम लोग के बीच, और पूरे देश में अभी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई और इसके बाद यहाँ पर प्रधान ये आपका पूरे तीनों सेना को दिया गया छूट, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की देन है। आपका नाम कहाँ से आप? अभिषेक, मैं हिमाचल से हूँ। किसकी सरकार बनेगी 23 मई को, किसको समर्थन करने वाले, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मुझे तो लग रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल गांधी बनेंगे जी हाँ। क्यों? ऐसे क्योंकि उनकी रणनीति राजनीति के मामले में बहुत अच्छी है। आप क्या बोलेंगे? राहुल गांधी, राहुल जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी को समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी की ऐसी कौन सी नीतियां जो आपको पसंद आ रही हैं, पहले मुझे बताइए। राहुल गांधी की पहले तो आज जो देश के बारे में सोचते बहुत अच्छा सोचते हैं राहुल गांधी, और जो मोदी जी ने ये पिछले दिनों में पिछले जो सालों में नोटबंदी की थी इन्होंने, उसके कारण काफी लोगों को नहीं लेकिन देश को बहुत फायदा हुआ है। देश चौथे स्थान पर पहुंच गया आर्थिक स्तर पर। आपका नाम कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ सर। किसकी सरकार बनेगी? मैं वैसे तो बीजेपी की सरकार को मैंने बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि बीजेपी की सरकार है ना हाई कैस्ट जो औद्योगिक लोग हैं उनके लिए तो वो अच्छा सपोर्ट करती है, लेकिन जो लो वर्ग है उसके लिए वो नुकसानदायक सरकार है। आप बोल रहे हैं कि लो वर्ग की सरकार है, जितना भी गरीब किसान है, किसान के जो योजना शुरू गई है हर पूरे साल में उनको 6,000 मिलेंगे, तो ये खुशी की बात नहीं है? कर्जा माफ करना एक सॉल्यूशन है? एक वो केवल किसानों के लिए है, लेकिन जो मजदूर वर्ग है वो अलग है। मजदूर वर्ग के लिए भी करा गया है, जो मच्छी पालन करते हैं उन लोगों को भी पालन के लिए कर रहा है, लेकिन जो मजदूरी कर रहे हैं उनके पास कौन जा रहा है? जैसे मालूम मच्छी पालन की जगह तो वहाँ पर तो वैसे भी बहुत है, लेकिन आप कहेंगे तो राहुल गांधी भ्रष्टाचार वाली सरकार चाहते हैं आप? मैं आपकी नजर में आपको भ्रष्टाचार लगता है, लेकिन हमारी नजर में वो भ्रष्टाचार नहीं। 2G स्कैम, 3G स्कैम कितने सारे हुए, CWG घोटाला, आप इन घोटालों के बारे में क्या कहेंगे? मैंने तो एक घोटाला के उसके बारे में मैंने भी नहीं जाना अभी तक,
लेकिन उसका जो घोटालों की सरकार को चाहते रहो बोल रहे, आपको घोटालों से मतलब नहीं। नहीं, अभी जो जो ये जो चल रहा था, क्या नाम है, जो नोटबंदी हुआ था और जो नए नोट बन रहे थे उनमें 12,000 करोड़ के कितना रुपए का व्यय हुआ था, वो कितना खर्च हुआ भारत का सरकार का कितना, लेकिन कोई घोटाला नहीं हुआ। मैंने कहा आई आपको नोट बहते हुए नहीं मिले हैं सड़क पर। आपका नाम? श्री चंद वर्मा, गाजीपुर यूपी। गाजीपुर यूपी। 23 मई को कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी जी। जो जो काम 5 साल में हुआ 70 साल में नहीं हुआ। जो लोग कह रहे हैं अभी हमारे साथ, वो कह रहे हैं घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार, अपना अपना मत है। तो राहुल गांधी बन सकते हैं? नहीं, हमको कोई उम्मीद नहीं है। आप कहाँ से? मोदी, हम तो बनारस से हैं। आप बनाइए, क्या बनारस में विकास हुआ है? नरेंद्र मोदी का क्षेत्रीय दल है। बहुत 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 सुविधा मोदी की। कुंभ में गए थे इस बार आप? कुंभ में जो आनंद आ गया वो शायद कभी जिंदगी में नहीं आया, 70 साल में नहीं आया। और जो लोग राहुल गांधी का समर्थन करते हैं उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? अब उनके लिए हम क्या बताएं, अब उसके लिए हम लोग क्या कहेंगे बाबू? हम लोग अभी जो मनोज सिन्हा हमारे जिले के मंत्री हैं, जो गाजीपुर में हो गया, जो मड़ुआ स्टेशन बना दिए मनोज सिन्हा, वो देखने लायक है विश्व में, विश्व में। आपका नाम? रीना साहू। कहाँ से आप? उड़ीसा। 23 मई को कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी, आप मोदी जी को समर्थन क्यों कर रही हैं? क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया है? विकास हो रहा है? हो रहा है। आप कहाँ से? आपका नाम? राजेश कुमार। कौन बनेगा 23 मई को प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी जी, आप मोदी जी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्या पसंद है उनकी नीतियां? मोदी जी काम अच्छे कर रहे हैं। राहुल गांधी बन सकते हैं प्रधानमंत्री? राहुल गांधी के बारे में क्या सोच रहे? वो भी बढ़िया है। आपका नाम? भावना। कहाँ से आप? दिल्ली से। दिल्ली से ही है। लोकसभा चुनाव में 23 मई को रिजल्ट आने वाला है, किसकी सरकार बनेगी क्या लगता है? हम तो मोदी के साथ हैं। आप मोदी के साथ हैं? हाँ जी। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने बहुत सारे डेवलपमेंट्स करवाए हैं इंडिया के लिए, मिलिट्री वालों के लिए, सबके लिए उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं मोदी जी के साथ हूँ। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे क्या? मुझे नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं। आपका नाम? कार्तिक। कहाँ से आप? स्पीक इन इंग्लिश, आई डोंट नो हिंदी, स्पीक इन इंग्लिश। कहाँ से? वेयर आर यू फ्रॉम? चेन्नई। चेन्नई। ओके, यू सपोर्ट हुम? 23rd अप्रैल हु विल बी द प्राइम मिनिस्टर? 23rd अप्रैल मे बी मोदी। मोदी। व्हाई यू सपोर्ट मोदी? इट्स दैट ग्रोथ ऑफ इंडिया and all those infrastructures and GDP. Everyone not able to concentrate on up to the bottom area, but we can concentrate step by step on top people up to the below. Okay, okay. What do you think about the Rahul Gandhi? He can become a prime minister? He want to develop some more things. You can reach the bottommost public some little bit, because he have some name and fame, okay. But he can develop to reach up to the bottommost peoples. No, our India is most of the agriculture country, so we have to go for development of agris. So we are on corporate, we are focused on corporate and infrastructure, road and railways, this whole thing. So we have to focus on only based on the agriculture. If the agriculture and farmers getting encouraged, we'll achieve our motivation. Kiski sarkar banegi is bar kya lagta hai? 23rd April mein, 23rd May ko result aane wala hai. Kis kaun banega pradhan mantri? Don't know about it. तब भी कोई अंदाजा? डोंट नो अबाउट इट। आप किसको वोट देंगी? देखते हैं। आप किसको वोट देंगी? देखते हैं अभी। राहुल गांधी कोई अभी तो आ गए हैं इलेक्शन। जब जाएंगे जब देखेंगे। जब जाएंगे तब देखेंगे, अभी बताएंगे नहीं। आपका नाम? अजीत कुमार। 23 मई को रिजल्ट आने वाला है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? मोदी। मोदी जी। अरे उन्होंने बहुत काम किया है। बहुत ढेर सारे काम किया उन्होंने। 4 साल में जितना राहुल गांधी ने 70 साल में नहीं किया वो 4 साल में किया है। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नो। वो खेतों में टाइल्स लगवा रहे हैं, किसान का दर्द समझ रहे हैं, वो किच नहीं बन पाए। आपका नाम? कहाँ से हैं आप? नागेंद्र कुमार, गोपालगंज से हूँ, बिहार से हैं। किसकी सरकार बनेगी इस बार? 23rd मई को रिजल्ट आने वाला है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री? कोई भी होगा, महागठबंधन का होगा। लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं होंगे, बिल्कुल महागठबंधन कौन है? लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी तो लड़ नहीं रही है। कुछ काम नहीं किया है, केवल झूठ बोला है। क्या मोदी जी ने कोई काम नहीं किया 5 साल में? अरे बहुत काम किया है। मोदी जो भी होगा महागठबंधन का ही होगा। क्या क्या काम किया आप हमें बताइए। बहुत
से काम किए हैं गिनवाए नहीं जा सकते, लेकिन काम बहुत किए हैं उन्होंने, जो नजर आते हैं, वक्त लगता है दिखने में। प्रधानमंत्री की जो औषधि वाली जो योजना है वो एक सबसे बेहतर योजना बनाई है नरेंद्र मोदी जी ने। जनधन योजना गरीबों के लिए जो सबसे बेहतरीन योजना बनाई है, और नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे अपने के लिए। आपने बोला कुछ काम नहीं किया, 10% जो बोल सकते हैं जनरल कैटेगरी के आरक्षण दिया है, जिसमें आरक्षण वाली लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया है, उसको क्या कहेंगे? एयर स्ट्राइक आर्मी को सशक्त किया है, जो बोल सकते सशक्त कर दिया। स्पेस में जब हम स्पेस में शायद हम बहुत कमजोर थे, अब स्पेस शटल बना दी है, एयर स्ट्राइक करिए, सर्जिकल स्ट्राइक करिए, और क्या चाहते हैं? सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर केवल ड्रामा हो रहा है, और ये लोग मतलब सर्जिकल स्ट्राइक मानते नहीं है कि हुई है, लेकिन इसके पहले भी बहुत महागठबंधन की सरकार या कांग्रेस की पीछे भी जब सरकार रही है तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक आज तक तो उन्होंने खुद नहीं माना। सर आप कैसे बोल रहे हैं? हुआ है। आप में से यार जितनी जनता है, किसी ने आज तक सुना है कि कांग्रेस के वक्त में सर्जिकल स्ट्राइक हुई है? हम पब्लिक को वार दीजिए, पब्लिक को प्रोग्रेस चाहिए इंडिया में, वो नहीं मिल रहा। मैं आपको नहीं मिल रहा बोल रहे मैम, किसी को नहीं मिल रहा, मैं चार और भी पूछोगे किसी को नहीं मिल रहा। अवतार है जैसे रामचंद्र जी का अवतार हुआ था, नरेंद्र मोदी का अवतार है देश के लिए, वो भगवान का अवतार है नरेंद्र मोदी जी का। दो दिन से दिल्ली आके देख रहा हूँ, पूरा कूड़ा बना के रख दिए हैं केजरीवाल के एरिया में। हमारा यूपी है, इलाहाबाद है, प्रयाग है, इतना अच्छा है कि वहाँ पे देखिए जाके, पूरा चेक कर लीजिए। हाँ, इंटीरियर एरिया पड़ता है हमारा, लोगों का तो सेंट्रल है। यहाँ पे बीजेपी सरकार आना बहुत जरूरी है। कहाँ से आप? हम यूपी से हैं, यूपी प्रतापगढ़ से। यूपी प्रतापगढ़ से प्रदेश में सबसे ज्यादा गढ़ होता है, 80 सीटें हैं, तो कितनी सीटें आएंगी भाजपा की? पूर्ण बहुमत में बीजेपी आएगी। कांग्रेस और महागठबंधन के बारे में क्या? नहीं चलेगा किसी को, नहीं चलेगा चोरों का गठबंधन। 23 मई को कौन बनेगा प्रधानमंत्री? राहुल जी। राहुल जी क्यों पसंद है आपको राहुल गांधी? राहुल एक अच्छा है। मोदी जिंदाबाद। अब राहुल गांधी बोल रहे, मोदी बोल दिया। कांग्रेस जिंदाबाद। कांग्रेस यस, हमारे लिए बेस्ट पार्टी है। नहीं कंफ्यूज है क्या? मोदी नहीं, कांग्रेस जिंदाबाद है। कांग्रेस ठीक है। आप बताएं आपका नाम कहाँ से? आप? मैं बुलंदशहर क्षेत्र से हूँ, और मेरा नाम शैलेश प्रताप सिंह है। उत्तर प्रदेश से हैं? जी उत्तर प्रदेश से हूँ। 23 मई को जो रिजल्ट आने वाला है, हम चाहते हैं कि हमारे जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो दोबारा प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, क्योंकि इस देश को, इस पूरे देश को वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही प्रधानमंत्री की जरूरत है। और ये जो राहुल गांधी, उनके सपोर्ट, उनके अगेंस्ट कोई खड़े होने लायक ही नहीं है। राहुल गांधी को यहाँ कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, तो और बोल रहे हैं कि विकास नहीं हो, तो क्या उनको गिनाएंगे क्या क्या विकास हुआ है? विकास आप खुद जानते हो कि GST लागू किया, उससे व्यापारियों के हित में भी और दुनिया भर में उसमें जो प्रॉफिट हुआ है। दूसरा नोटबंदी से जो भ्रष्टाचार है और आतंकवाद जो है, दोनों पर सेकंड जगह सा है, और बहुत ही मजबूत हमारा। और आप देख सकते हैं कि जो विदेशों से हमारे रिश्ते, हमारे देश के रिश्ते, जहां भारत को कोई पूछता तक नहीं था, अपने पास बिठाने तक में शर्माते थे लोग, आज वहां पर मोदी को चैंपियन ऑफ द अर्थ की उपाधि दी गई है। आप बोले राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे क्या? नहीं, कदापि नहीं, असंभव, इम्पॉसिबल है बिल्कुल। आप इम्पॉसिबल बोल रहे, तो आप किसकी सरकार चाहते? 23 मई को कौन बनेगा प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। मोदी 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 मोदी। राहुल गांधी ने एक योजना भी बोला है कि अभी जो वो है कि उसमें सरकार जो होगी, वो जो गरीब लोग हैं या जिनकी सैलरी 12,000 से कम है, उनको वो 72,000 तक कर देंगे पूरा सालाना में। आज से 60 साल से पहले तो कभी हुआ नहीं। और दूसरा, ये पैसा आएगा कहाँ से? इटली से आएगा क्या? आप क्या बोल रहे? मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में सरकार बना, राजस्थान में कर्जा माफी की बात हुई थी किसानों को लेकर, तो किसानों को जो कर्जा माफी की बात हुई है, आज उनकी सरकार बने हुए कई महीने हो गए, आज तक कोई कर्जा माफी नहीं हुआ है उनका, कोई कर्जा माफी नहीं हुई है। आप क्या कहेंगे? तो राहुल गांधी ने बोला 72,000 तक दे देंगे वो पुसलाना में जो गरीब लोग हैं, तो उसमें क्या भ्रष्टाचार करने का नया तरीका है? भ्रष्टाचार होगा इसमें भी, स्कैम, या क्या बोलेंगे? ये सब झूठ है, सब झूठ है कि कुछ नहीं मिलना किसी को। आप बोलिए, जिनका खुद का विकास नहीं हुआ, जिन्होंने 100 करोड़ रुपए का टैक्स अभी भी नोटिस जारी हुआ है, वो 100 करोड़ का टैक्स नहीं दे पा रहे, वो 72,000 रुपये कहाँ से देंगे? जिन्हें गिनती नहीं आती, वो ये बता रहे हैं महीने के आपको 6,000 रुपये मिलेंगे और साल के 72,000 मिलेंगे। अब आप इससे लगा लो कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, जिनके खुद का विकास नहीं हुआ, आज लो वो देश का विकास करने। 23 मई को प्रधानमंत्री कौन बनेगा? वो तो क्लियर है जी, क्लियर है, मोदी।
तो यहाँ आपने जानी जनता की राय, जनता ने हमें बताया कि उनके पास कोई और बेहतर विकल्प ही नहीं है नरेंद्र मोदी को छोड़कर। अब देखना अहम होगा कि 23 मई को जनादेश क्या आता है और किसकी सरकार बनती है। फिर लौटूंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ।